नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपत और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगी और बताऊंगी उनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बताऊंगी। उनका नाम है मृगेंद्र प्रताप सिंह, जो कि एक बेबाक पत्रकार हैं। देश में कोई भी बड़ा मुद्दा हो, धर्म को लेकर, जात को लेकर, या फिर कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, जिस पर वो अपनी बात को, अपनी राय को बेबाकी के साथ रखते हैं। साथ ही आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलन का, उसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने तह तक जाके जमीनी स्तर पर वहां की कवरेज की है और सच्चाई को देखा है, तो आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मृगेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। जब आपने बात किया है किसान आंदोलन का, तो इस पर मैं कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। मैं इसलिए ये कर रहा हूं और इसलिए मैं ये बताने की भी कोशिश कर रहा हूं और आपसे मैं ये संवाद स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं चाहे सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो, उस पर जो जिस विचारधारा का है वो उसी विचारधारा की खबरों को पढ़ता है, देखता है, सुनता है और उसी वीडियो को सच मान लेता है, उसी वीडियो को सत्य मान लेता है। एक पक्ष ये आरोप लगाता है कि जो है किसानों ने उपद्रव मचाया, एक पक्ष ये भी आरोप लगाता है कि जो है पुलिसिंग कमज़ोर रही, उन्होंने कोऑपरेट ढंग से नहीं किया और कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में पुलिसिंग है, तो सरकार की मंशा थी कि इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। लेकिन क्रमशः मैं हर एक मुद्दे पर आखिर शुरू से लेकर के अभी तक क्या हुआ है उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। देखिए, लगातार 2 महीने से आंदोलन चल रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से आंदोलन चल रहा था। 3 मर्तबा ये स्थिति उत्पन्न हुई कि सरकार से संवाद हुआ लेकिन बात नहीं बनी। पहली बार जब संशोधन की बात की गई, किसान संगठनों के लोग जा करके जो है मिले, नरेश सिंह तोमर से मिले, कई बार विज्ञान भवन में बैठक हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, इसके बाद कहा गया कि इस कानून को जो है, नए फार्म बिल को जो है होल्ड पर डाल लिया जाता है 1.5-2 साल के लिए, तो यहाँ पर बात नहीं बनी। इसके बाद किसान लगातार कहते रहे कि 26 जनवरी हमारे देश के लिए एक राष्ट्र पर्व के तौर पर है और इसको हम भी मनाएंगे, हम भी परेड करेंगे और परेड की अनुमति मिल जाती है 26 जनवरी का जब परेड होता है, तो उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे बुरा जो तस्वीर उभर करके आई, वो ये तस्वीर उभर करके आई कि हम लोगों ने देखा कि आज तक के इतिहास में, आज़ाद भारत के बाद, जब से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हो, जहाँ पे झंडा फहराते हैं उस प्राचीर पर अभी तक कोई ऐसा धार्मिक झंडा नहीं फहराया गया था किसी एक मॉब के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा, कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन पहली मरतबा 26 जनवरी के परेड के दिन, जो किसानों ने परेड निकाला था, उस दिन स्थिति ऐसी बनी कि एक मॉब जाकर के वहाँ पर जो है हुड़दंगई करती है, पुलिस के साथ झड़प होता है, किसानों का झड़प पुलिस के साथ, पुलिस का झड़प किसानों के साथ, और वहाँ पर एक धार्मिक झंडा फहराया जाता है। और ये जब देश के लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लेकर के जो एक लोगों के अंदर किसान आंदोलन को लेकर के सिंपैथी बन रहा था, सिंपैथी गेन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। ब्रेक इसलिए होता है कि ये कतई बर्दाश्त के बाहर है कि आप किसान आंदोलन के नाम पर, ठीक है, मानता हूँ कि अगर कोई पार्टी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई स्कीम, कोई मुद्दा, कोई कानून, कोई एक्ट लेकर के आती है, आपको उससे आपत्ति है, आप उसका विरोध करेंगे, अहिंसात्मक विरोध करेंगे। गांधी जी का देश है, आप लोग कहते हैं कि हम गांधी जी को फॉलो करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को अपना धर्म मानते हैं। तो जब आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने जैसा बताया कि जो धार्मिक तिरंगा लहराया गया, जो झंडा लहराया गया धार्मिक, तो आपको क्या लगता है कि ये किसकी साजिश है, किसने किया है? मैं आपको बता रहा हूँ पूरा मैटर क्या है। देखिए, धार्मिक झंडा जिसने फहराया है उसको लेकर के मैंने एक ट्वीट किया, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, जुगराज सिंह है, तरतारनपुर का रहने वाला है, पंजाब का जगह है, और तरतारनपुर एक जाना माना नाम है पंजाब का, वहाँ का जुगराज सिंह है जो कि उस दिन झंडा फहराया था लाल किले पर। और उस ट्वीट को जब मैंने अपने ट्विटर पे डाला, लमसम 2000 लोगों ने लाइक किया, 1000 से ज़्यादा उसको रिट्वीट किए गए, काफ़ी संख्या में लोगों ने देखा। प्रशासन ये जानने की कोशिश कर रही है कि अगला बंदा कौन है, लेकिन उसी दिन एक और बंदे का नाम आता है जिसका नाम दीप संधू है, जिसके साथ मोदी जी का तस्वीर, जिसके साथ सनी देओल का तस्वीर, इसके साथ ही सनी देओल का एक वीडियो जिसमें वो कहते हैं
कि दीप संधु हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं। तो कहीं ना कहीं एक धड़ा जो है यह आरोप लगाने में सफल रहा कि आप देखिए ये सरकार ने कराया है और ये इसलिए लगाया गया। इसके पीछे का मैं वजह बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो किसान संगठनों के लोग हैं, चाहे राकेश टिकैत की बात करें या काफ़ी सारे लोग जब हम जाते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर मिलते हैं, तो उन लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना था कि आप बताइए, दो महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोई हिंसा हम लोगों ने नहीं किया, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, किसी के साथ मारपीट नहीं की, किसी पत्रकार के साथ अभद्रता हम लोगों ने नहीं की, तो हम लोग 26 जनवरी के दिन अपने आंदोलन को क्यों बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार इस आंदोलन से डर रही थी, सरकार घुटने टेकने पर मजबूर थी, सरकार 3 बार हम लोगों को चाहे कि बात करा करके मना ले, सुप्रीम कोर्ट में जा करके मना ले या इसको होल्ड करके मना ले। अपने जब मनसे में कामयाब नहीं हुई सरकार तो सोची कि 26 जनवरी का जो हम लोगों का परेड है उसको इस तरीके से हम प्रेजेंट कर दें देश के सामने कि देश के लोग समझे कि किसान तो उपद्रवी हैं, किसान तो खालिस्तानी है, किसान तो जो है इस तरह का उपद्रव मचाते हैं। तो 26 जनवरी का जो भी प्रकरण था ये हमारे एजेंडे में नहीं था, वो हम लोग चाहते भी नहीं, क्योंकि हम लोग 2 महीने से बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है क्या नहीं है इसका अभी तक पता नहीं चला है कि वो कौन लोग थे। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर त्वरित जाँच हो, इस पर एक जाँच बैठे, सुप्रीम कोर्ट जाँच कराए, चाहे प्रशासन जाँच कराए कि वो लोग कौन थे, वो कहाँ से आए थे। आखिर वीडियो तो होगा ना, उससे तो मालूम चलेगा कि वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, किस पार्टी का कार्यकर्ता है कैसा नहीं है, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई उस रूप से नहीं हो पाई है, उस रूप से कोई उस पर जजमेंट नहीं आया, उस रूप से कोई कोई व्यक्ति पकड़ा भी नहीं गया। इसके साथ एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 लोग पकड़े गए हैं, एक तो मंदीप पकड़े गए और दूसरे धर्मेंद्र सिंह पकड़े गए, जिनको पुलिस उठा करके लेके चली जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी ये बताइए कि हमारे देश में जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उस में काम कर रहे कोई भी पत्रकार, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो अपने चैनल पर आकर के कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी झूठ बोल करके चला जाता है, उसको प्रशासन क्यों नहीं पकड़ती है। मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि आप बताइए, 26 जनवरी के दिन जब मैं आईटीओ पर था, उसी दिन राजदीप सरदेसाई हमारे पास से गुजरते हुए जब ये अपने ही चैनल के एक सहकर्मी के साथ इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि नवनीत सिंह जो है उनको गोली लग गई है सर में, इसके वजह से मर गए हैं, और एक मॉब चिल्ला रही है कि आखिर आप लोगों ने क्यों मारा है, इस पर जवाब दो। तो कहीं ना कहीं दंगे भड़काने की कोशिश है, उस पर बताइए अभी तक प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई की। क्या प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि आज तक दलाली करता है किसी खास पार्टी के लिए, किसी खास एजेंडे को फैलाने के लिए, या आप बताइए कि आखिर धर्मेंद्र सिंह जैसे छोटे से पत्रकार, जिनका कोई टीवी स्क्रीन नहीं है, जिनका कोई चैनल नहीं है, जिनका कोई अखबार नहीं है, वो केवल एक न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार हैं, और आज तक के डेट में जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि एक विशेष जो है कौम को लेकर के वो बात करते हैं, आप एक वीडियो हमको दिखाइए जिसमें वो विशेष कौम को लेकर के बात की हो। उनका स्पष्ट तौर पर उसी टॉपिक पर, उसी न्यूज़ कंटेंट पर हमला होता है जो फेक कंटेंट चलते हैं। इसलिए देखिए मैं बता रहा हूँ स्पष्ट, क्या जर्नलिज्म होता क्या है, आप यहाँ पर आए कुछ बोल के चली गई, और हम आए हम भी कुछ बोल कर चले जाएँ आपके विपक्ष में, लेकिन सच्चाई क्या है, आपने जो बोला वो सही है या गलत है, हमने जो बोला सही है या गलत है, अगला बंदा आकर के ये रिपोर्टिंग करके जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना पत्रकारिता कर रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार का पत्रकारिता धर्मेंद्र सिंह ने किया है। लेकिन आखिर मजबूरी क्या है सरकार की कि ऐसे छोटे पत्रकारों को आप पकड़ लेते हैं, और इनकी क्या गुनाह है, और जो गुनाहगार हैं, जो दंगे के दिन, जो खास करके उस दिन उपद्रव हुआ उसके दिन, जो लोग अपने बड़े टीवी चैनल के माध्यम से इस तरीके की चीज़ें बोले जो कि दंगे भड़काने का काम कर सकता था, उन पर अभी तक प्रशासन कार्रवाई नहीं की, आखिर क्या कारण है, इतनी दोहरी मापदंड क्यों, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे हमारे साथ मृगेंद्र जी को, जो कि बेबाक पत्रकार है, और इन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच साबित होती जा रही है। क्योंकि आज एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आंदोलन को लेकर के एक बात जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँच पाई है कि 26 जनवरी के बाद ये स्थिति बन रही थी कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, किसान हैं, उनको प्रशासन उन पर कार्रवाई करके उनको हटा सकती है। जैसा हम लोगों ने देखा 29 तारीख का जब दिन था, रात का समय था, 7 बजे जब मैं गाजीपुर बॉर्डर पे जाता हूँ, देखता हूँ स्थिति वहाँ की, तो रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद होती है, काफ़ी सारी बसेज़
काफ़ी सारे जो है इनोवा कारें वहाँ पर हम देखते हैं, एकाएक देखते हैं भाई इतने ज़्यादा संख्या में जवान क्यों हैं यहाँ पर, आखिर क्या कारण है। फिर पता चलता है कि आज जो है प्रशासन इन किसानों पर जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उस पर कार्रवाई कर सकती है, उन पर लाठी चार्ज कर सकती है, उनको यहाँ से भगा सकती है। लेकिन ये दिल्ली है, यहाँ पर पत्रकार बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत सारे पत्रकार वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद मैं एक ये मोमेंट बनते देखता हूँ कि पत्रकार वहाँ पर बैठे जाते हैं, फिर बड़े चैनल के पत्रकार वहाँ पर जाते हैं, कहते हैं कि ये तो 26 जनवरी के दिन इन लोगों ने बवाल किया, 26 जनवरी के दिन बवाल किया राकेश टिकैत ने किया, 26 जनवरी के दिन बवाल किसी किसान नेता ने किया, उसका चेहरा था आपने देखा किसी को, या आप ये कह रहे हैं कि उस दिन उपद्रव हुआ वो बिल्कुल गलत था, हमारे देश के सामने इस तरह की तस्वीरें कभी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने किया, प्रशासन आपकी है, पुलिसिंग आपकी है, आपने उस पर क्यों नहीं कुछ इस तरह का एक्शन लिया, जांच बैठाई कि भाई लोग कौन थे, और उसके बाद आप इन लोगों पर आरोप लगाते, तो बिना कुछ तथ्य के आप आरोप लगा दिए। उस दिन 29 तारीख के दिन क्या हुआ, 7 बजे के बाद की मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ, कि जब प्रशासन को लेकर के जैसे ही बड़े बड़े चैनल में ये बात चलने लगी कि नहीं अब आज तो जो है इन लोगों के लिए अंतिम रात है, आज की रात अंतिम रात है, आज इन पर लाठीचार्ज होगी, उठाया जाएगा, और आनन फानन में ही मैं देखता हूँ एक पोस्टर लगा रहता है, जब हम गाजीपुर बॉर्डर से सीधे आगे बढ़ते हैं पटपड़गंज की तरफ, तो एक वहाँ पर ओवरब्रिज है, उसी के नीचे जहाँ पर किसान आंदोलन करने वाले किसान हैं वहाँ पर जो वहाँ पर सोते हैं, वहीं पर एक पोस्टर चस्पा होता है, उस पर लिखा रहता है कि यहाँ पर 144 धारा लग गई है, जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें। ठीक, इसके बाद होता क्या है कि जब पत्रकार जा कर के मिलते हैं राकेश टिकैत से, राकेश टिकैत पत्रकारों को संबोधित करते हैं, उसमें वो रो देते हैं, कहते हैं कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है, हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है, हमारे आंदोलन को जो है एक तरीके से बदनाम कर दिया गया है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं है। और जब आंसू बहाते हैं उस आंसू के साथ पूरे देश का, मतलब जो किसान है एक सिंपैथी जुड़ जाता है, उनके अपने वर्ग का भी सिंपैथी जुड़ जाता है। और उसके बाद आपको मैं ये वाक्य बता रहा हूँ, मैं उस दिन 2 बजे तक वहाँ पर था। उसके बाद वाक्य ये होता है कि जब वो रो देते हैं तो जो मीडिया ये दिखा रही थी, लगातार दिखाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं नहीं अब तो आज इन लोगों पर लाठीचार्ज हो जाएगा, चले जाएंगे, और एक धड़ा वहाँ पर था ये दिखाने के लिए कि अगर लाठीचार्ज होती है बिना कुछ कहे तो हम भी दिखाएंगे कि देखिए प्रशासन किस तरीके से अपना काम कर रही है। 10 बजता है, 11 बजता है, प्रशासन वहाँ पर तब तक रहती है। उसके बाद धीरे धीरे जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो जाने लगती है, बहुत सारे मीडिया के लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं कि आखिर आप लोग जा क्यों नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा शिफ्ट जो है ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं, हमारा शिफ्ट ख़त्म हो गया। 12 बजता है ना जैसे, वैसे ही धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगती है, धीरे धीरे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आने लगते हैं, पंजाब से लोग आने लगते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो परेड करने वाले, परेड में भाग लेने वाले किसान थे, बहुत ज़्यादा संख्या में जो हरियाणा से थे, पंजाब से थे, वेस्ट यूपी से थे, वो अपने घर को चले गए थे। इसके बाद जब सुबह होता है तो पूरा एक तरीके से जनसैलाब देखने को मिलता है उसी आंदोलन के जगह पर, जहाँ पर एक रात पहले यानी 10 घंटा पहले लग रहा था कि प्रशासन जो है इन लोगों को मार करके खदेड़ देगी, मार करके भगा देगी। और उस रात जिस रात ये घटना होती है, यानी 29 तारीख के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, रात को जब ये चित्रा त्रिपाठी जाके के कहती हैं कि आज खाली करा देगी प्रशासन, या जितने भी ABP या रिपब्लिक भारत जो भी चैनल हैं ये लोग जैसे कहते हैं, तो इसके बाद मैं एक चीज़ पर गौर किया जिस पर सभी लोगों ने गौर नहीं किया। गौर करने वाली बात ये थी कि जो 22 राजनीतिक पार्टियाँ थीं, जो 30 तारीख से हम लोगों का जो सत्र चालू हुआ था उसका जो अभिभाषण होता है सबसे पहले राष्ट्रपति जी का, तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए जो 22 राजनीतिक पार्टियाँ खुद को विथड्रॉ कर ली हैं, खुद को जो है ये कह दी कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनके नेता प्रवक्ता जो है लगातार सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये अपील करने लगते हैं कि किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश है राकेश टिकैत के साथ, तो कहीं ना कहीं एक वो भी जो एक तरह से कहे कि संगठन के लोग लग जाते हैं कि इस किसान आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने में। और उसके बाद की स्थिति अभी की ये है कि जो मैं पहले देखता था, यानी 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन पहले जो मैं देखता था अपने गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में अभी वहाँ पर लोग हैं, नेता हैं, और ज़्यादा जो है मजबूत दिख रहा है हमको ये किसान आंदोलन। वैसे मोदी जी भी ने कहा है
कि इस पर हम लोग कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन मेरा बस अपील यही है कि कुछ भी हो, इस किसान आंदोलन का और सरकार के बीच में एक समन्वय स्थापित हो और कुछ ना कुछ एक बेहतर निष्कर्ष निकल करके आए, ताकि देश के सामने एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट हो पाए। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ मृगेंद्र जी को, जिन्होंने अपनी बात को रखा, जिन्होंने सच्चाई बताई कि किसान आंदोलन की सच्चाई क्या है। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है चौथे स्तंभ पर, यानी कि पत्रकारिता पर। अगर बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो वहाँ पर लोगों को भी विश्वास अब नहीं रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाती है, जो बताती है, वो कितना सच है या कितना नहीं है। हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, गलत चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है चौथे स्तंभ पर। साथ ही एक और बड़ा सवाल सरकार की तरफ से भी खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दो पत्रकारों को पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार को, जिनको पकड़ने की या जिन पर एक्शन लेने की अभी तक सरकार हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, तो वहीं जो छोटे पत्रकार हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, जो बेबाकी से बात करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो देश है वो एक तरफ अगर देखा जाए, एक तरह से तो बर्बादी की तरफ ही जाता जा रहा है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ होती है जो हमें सच्चाई से रूबरू करवाती है और क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में भी जानकारी देती है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।